नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं 2.5 से 3 साल के बच्चे के लिए एक स्वेटर लाई हूँ। अभी तक मैंने जो स्वेटर अपलोड किया है वो गले से शुरू होने वाला है, लेकिन ये स्वेटर उससे अलग है। ये आस्तीन से शुरू होकर दूसरे आस्तीन पे ख़त्म होगा, यानी पूरा स्वेटर एक ही पल्ले का होगा। सिंगल रिब में 10 लाइन बुना है। ये आस्तीन का बॉर्डर है और इसे मैंने 10 लाइन कंप्लीट कर लिया है। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, सिंगल रिब में 10 लाइन कंप्लीट करने के बाद ये 11वां लाइन है और बॉर्डर मैंने 10 नंबर की सिलाई पे बनाया है और ऊपर का हिस्सा 9 नंबर की सिलाई पे बनाऊंगी। बॉर्डर कंप्लीट हो गया है और अब हमें इसमें दूसरा कलर अटैच करना है और 15 फंदे बढ़ाना है। तो 15 फंदे बराबर दूरी पे बढ़ाना है, तो मैंने सिलाई में यहाँ 15 फंदे बढ़ा लिए हैं। नीचे की तरफ 45 स्टिचेस थे, हर तीसरे फंदे में 1 से 2 करते हुए 15 फंदे बढ़ा लिए गए हैं। बॉर्डर में 45 स्टिचेस थे और 15 बढ़ जाने से अब सिलाई में 60 स्टिचेस हो गए हैं। तो अब बैक साइड से सभी फंदे उल्टे बना लेंगे। मैंने 4 लाइन सफ़ेद रंग के ऊन से बना लिया है और 6 लाइन मैं हरा रखूँगी। 4 लाइन सफ़ेद और 6 लाइन हरा। तो अब हरे रंग से मैं सारे फंदे सीधा बुन लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, 11वीं लाइन में हमने 15 फंदे बढ़ाए थे और चूंकि ये आस्तीन है तो हर 6ठी लाइन में हमें दोनों तरफ एक एक फंदे बढ़ाने होंगे। ये हमारा 17वां लाइन है और अब हम दूसरे फंदे में 1 फंदे से 2 फंदा कर लेंगे, यानी 1 फंदा यहाँ बढ़ गया और सेकेंड लास्ट में हमें 1 से 2 करना होगा। सारा फंदा सीधा बुनते जाएंगे और सेकेंड लास्ट में फिर देखिए फ्रेंड्स, अब 2 फंदे बचे हुए हैं तो हमें ये सेकेंड लास्ट है, इसमें 1 से हम 2 फंदे कर देंगे और इसके साथ ही हमारे सिलाई पे 62 फंदे 62 स्टिचेस हो गए हैं। रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने 4 लाइन सफ़ेद और 6 लाइन हरे का पैटर्न रखा है, तो 4, 6 और ये 2 यानी 12 लाइन बॉर्डर के बाद से कंप्लीट हो गया है और ये 13वां लाइन है बॉर्डर के बाद से, यानी इस लाइन में फिर हमें 2 फंदे बढ़ाने हैं। हर 6ठी सिलाई पे हमें 2 फंदे बढ़ाने हैं, हम दूसरे फंदे पे बढ़ाएंगे। अब इसके साथ ही ये 62 थे, यहाँ पे 1 फंदा बढ़ जाने से ये 63 फंदे हो गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, 13वीं लाइन में हमने दूसरे फंदे पर 1 से 2 किया था, ये हमारा सेकेंड लास्ट है, तो इसमें भी हम 1 से 2 फंदा करेंगे और इसके साथ ही 13वां लाइन कंप्लीट हो गया और 4 लाइन सफ़ेद बनाने के बाद फिर हमें हरा 6 लाइन हरा बनाना होगा। और ये 14वां लाइन है और अब ये हमारा 15वां लाइन है
पंद्रहवें लाइन में अब हरे रंग के ऊन से हम सभी फंदे सीधे बना लेंगे और सोलहवीं लाइन में सभी फंदे उल्टे। देखिए फ्रेंड्स, 16 लाइन कंप्लीट हो गया है और इसके साथ ही आस्तीन बनके तैयार हो गया। और अब हमें दोनों साइड में फंदे बढ़ाने होंगे ताकि फ्रंट पोर्शन और बैक पोर्शन बन सके। तो इसके लिए हम फंदा बढ़ाने की मैंने विधि पहले ही अपलोड कर ली है, या तो आप ऐसे करके बनाइए या फिर एक एक फंदा जैसे बुना और इस पर ऐसे चढ़ा दिया, एक फंदा हो गया, फिर दो, तीन, चार, देखिए एक सीधा फंदा बना और इसके ऊपर ऐसे चढ़ा दिया, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह। देखिए फ्रेंड्स, 34 फंदे बना दिए गए हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 और 34। अब इन्हें हम चूँकि फ्रंट साइड है तो सभी फंदे सीधे बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सीधा बुनते हुए हम दूसरी तरफ आ गए हैं। इधर हमने 34 फंदे बढ़ाए हैं तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें इस साइड भी 34 फंदे बढ़ाने होंगे। तो हम इसी तरीके से इधर भी बढ़ाएंगे। चूँकि ये उल्टा साइड है तो हम एक फंदा उल्टा बुनेंगे और इसके ऊपर ऐसे चढ़ा देंगे, फिर नेक्स्ट फंदा उल्टा बुनेंगे, ऐसे चढ़ाते जाएंगे, एक एक फंदा हम ऐसे एक्स्ट्रा बनाते जाएंगे और उसे सिलाई में ऐसे चढ़ाते जाएंगे। उल्टा बुना, सिलाई में चढ़ाया, फिर अगले फंदे को ऐसे उल्टा बुना, सिलाई में चढ़ाया, ऐसे करते हुए हम कुल 34 फंदे एक्स्ट्रा बना लेंगे। देखिए फ्रेंड, दूसरी तरफ भी 34 फंदे बन गए हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 32 और ये 2, 34। तो हम चूँकि उल्टी साइड में हैं तो सारे फंदे उल्टे बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, दोनों साइड में 34-34 फंदे बढ़ा लिए गए हैं और अब इस समय सिलाई पे 132 फंदे हैं, 132 स्टिचेस हमारे सिलाई पे हैं। और ये यहाँ पे अब ये आस्तीन आपका ख़त्म हो गया और ये अब कंधे का पोर्शन शुरू हो गया है। तो
कंधे में हमने 2 लाइन बना लिया है और 12 लाइन और हमें बनाना है। मैं ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अब अगले वीडियो में 12 लाइन बनाने के बाद हम फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तो ये स्वेटर मैंने अलग तरीके से बनाया है, यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप भी इसे बनाइए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो 12 लाइन बनाने के बाद हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।